ऋषभ पंत को लेकर फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर वो जिम में वेट लिफ्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है उनके फैंस को उनकी फिटनेस को लेकर एक अपडेट मिली है कि धीरे धीरे वो फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कैप्शन की अगर बात करी जाए इस वायरल वीडियो की तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एवरी ड्रॉ ऑफ स्वेट इज अ स्टेप क्लोजर टू योर गोल्स। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पर मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा कपिल। और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत के क्रिकेट करियर पे, फिलहाल IPL में वो खेलते हुए नजर आएंगे, ये कंफर्मेशन आ चुकी है। साथ के साथ दिल्ली कैपिटल्स के जो डायरेक्टर हैं वो है सौरव गांगुली, उनका कहना है कि जनवरी एंड तक वो ठीक हो जाएंगे और IPL 2024 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो है वो हमें खुशखबरी मिल गई है कि इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए यहाँ पर ऋषभ पंत नजर आएंगे। अब पंत के जो अगर IPL स्टार्स की बात करी जाए वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं कि पंत ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है। और पिछले सीजन की अगर बात करी जाए तो दिल्ली कैपिटल्स का यहाँ पर रिकॉर्ड क्या है। अगर हम ऋषभ पंत की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो फिलहाल एक और बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के T20 मैच से पहले वो 20 मिनट नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। कहीं ना कहीं थोड़े इनकन्वीनियंस उनकी नजर आ रही थी, अनकंफर्टेबल थे, हालांकि अभी प्रॉपर तरीके से वो फिट नहीं हुए हैं। तो फिजिकली हो सकता है कि थोड़ी और प्रैक्टिस, थोड़ी और रेस्ट की उन्हें जरूरत है। बिल्कुल, बता दूँ कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी कि जो NC है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिटनेस अपनी आने की कोशिश कर रहे हैं ऋषभ पंत। और ये एक सरप्राइज विजिट थी, मतलब किसी को भी पता नहीं था कि ऋषभ पंत आने वाले हैं। जब मैदान में पहुंचते हैं तो कोहली से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, देखिए कोई सिंह से गले मिलते हुए नजर आते हैं। तो पंत का ये गेस्चर निकालता है कि वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं और उम्मीद हम यही करके चलेंगे कि शुरुआत के जो दो मैच है इंग्लैंड के खिलाफ उसमें पंत नहीं है, लेकिन पंत बाकी के तीन टेस्ट मैच में नजर आ सकते हैं। मैदान में भले ही नजर ना आए लेकिन डगआउट में बैठे हुए नजर आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पंत ने जो है इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया था महज 19 साल की उम्र में T20 में इंग्लैंड के खिलाफ, जहां वो भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही मैच था। और डेब्यू के साथ ही, मतलब 19 साल की उम्र में सोचिए कोई लड़का डेब्यू कर रहा है, लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब हो गई। 2022 में जो उनका एक्सीडेंट हुआ है जिसके बाद एक ट्रेजिक कार क्रैश था जहाँ पर वो उनको बहुत सारी सर्जरी से भी जाना पड़ा। तो देखने वाली बात यही हो जाती है कि अगर वो IPL में खेलते हुए नजर आने वाले हैं कपिल, तो किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। उनके फैंस तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो रविकर, इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो T20 क्रिकेट की अगर बात करी जाए वहाँ पर ऋषभ पंत के आंकड़े क्या रहे हैं वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। और इसके संग संग एक कंपैरिजन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत की जो विकेट कीपिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनील गावस्कर ने हाल ही में कहा था कि अगर एक पैर पर ऋषभ पंत भी फिट हो जाते हैं तो उन्हें ज़रूर जो है वो इस जो T20 फॉर्मेट है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उस पर खेलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, एक सवाल मेरा ये है कि KL राहुल नज़र आ रहे हैं विकेट कीपर के तौर पर, जो पंत है वो भी नजर आ रहे हैं, ईशान किशन भी हैं, जितेश शर्मा भी हैं, काफी सारे खिलाड़ी हैं, तो आपके हिसाब से किसको टीम में मौका मिलना चाहिए? तो फिर बात अगर विकेट कीपिंग की जाए तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मुझे लगता है कि KL राहुल जो है फिलहाल बेस्ट विकेट कीपर हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन हमें देखने को मिला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला, तो दूसरे मिस्टर डिपेंडेबल बनते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को लेकर ना सिर्फ सुनील गावस्कर, युवराज सिंह हो या फिर एडम गिलक्रिस्ट, तो पहले वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ कर चुके हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को एक मौका T20 वर्ल्ड कप में मिलना चाहिए। KL और यहाँ पर जो है वो एज अ बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी जो हमें देख रहे हैं लिसनर्स व्यूअर्स, उन्हें क्या लगता है कि किसे जो है वो एज अ विकेट कीपर खेलना चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं।